इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट मुकाबले के लिए पाकिस्तान की बिल्कुल नई प्लेइंग 11 का हुआ ऐलान। इंग्लैंड के खिलाफ चार बड़े बदलाव के साथ मैदान में उतरेगी बाबर सेना। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाले तीसरे टेस्ट मुकाबले के लिए कैसी है पाकिस्तान की प्लेइंग 11, साथ ही टीम में हुए हैं कौन से चार बड़े बदलाव, बताएंगे आपको सब कुछ इस वीडियो में आगे। लेकिन इससे पहले आपके मुताबिक क्या पाकिस्तान की टीम तीसरे टेस्ट मुकाबले में इंग्लैंड को हरा पाएगी या नहीं, आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच फिलहाल तीन मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जा रही है। शुरुआती दो टेस्ट मैच खेले जा चुके हैं और इन दोनों ही टेस्ट मैचों में पाकिस्तान की टीम को हार का सामना करना पड़ा है। पहले और दूसरे टेस्ट मैच को इंग्लैंड की टीम ने अपने नाम कर लिया है। अब सीरीज का तीसरा और आखिरी टेस्ट मुकाबला 17 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है। आपको बता दें कि इस मुकाबले में पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम हर हाल में जीत दर्ज करना चाहेंगे, जिससे कि पाकिस्तान व्हाइट वॉश होने से बच जाए। आपको बता दें कि पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम तीसरे टेस्ट मुकाबले के लिए टीम की प्लेइंग 11 में चार बड़े बदलाव करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि शान मसूद की प्लेइंग 11 में एंट्री होने जा रही है। विकेट कीपर के तौर पर सरफराज अहमद हमें प्लेइंग 11 में नजर आएंगे। फहीम अशरफ की जगह मोहम्मद वसीम जूनियर को मौका मिलने की पूरी उम्मीद है। शाहिद महमूद की जगह नोमान अली को प्लेइंग 11 में शामिल किया जा सकता है। आपको बता दें कि नसीम शाह चोट के चलते तीसरे टेस्ट मुकाबले से भी बाहर हैं। तो चलिए ऐसे में आपको बताते हैं कि आखिरकार पाकिस्तान की टीम तीसरे टेस्ट मुकाबले में किस प्लेइंग 11 के साथ मैदान पर उतरेगी। अब्दुल्ला सफीक और इमाम उलक पारी की शुरुआत करेंगे। इसके अलावा प्लेइंग 11 में शान मसूद, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, सरफराज अहमद, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम जूनियर, अबरार अहमद, नोमान अली और मोहम्मद अली। तो दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट मुकाबले के लिए कुछ ऐसी होगी पाकिस्तान की प्लेइंग 11। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।